नमस्कार, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतलीस। तो काजू कतलीस बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम काजू ले रखी हूँ और काजू को मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दी थी। और काजू जो बहुत ही बढ़िया फूल के तैयार हो चुके हैं, आपको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और अब इसे मैं मिक्सी के जार में डाल करके इसे मैं चला लूँगी। तो आप एक बार इस तरीके से काजू कतलीस बना के ज़रूर देखिए। आप एक बार बना लेंगे तो मार्केट का ख़रीदना भूल जाएंगे, आप अपने घर ही पे बना के खाएंगे। तो काजू को मैं चला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं काजू को मैं पीस करके तैयार कर ली हूँ। पीसते समय मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाली थी। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच दूध डाल करके भी पीस सकते हैं। और कढ़ाई जो मैंने गैस पे रख दी थी, और अब मैं काजू के पेस्ट को इसमें निकाल लेती हूँ। तो मैं काजू को निकाल लेती हूँ, यानी काजू के पेस्ट को, और इसको मैं मिलाते हुए चलाऊँगी जिससे नीचे चिपके ना। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाइए, इसमें थोड़ा सा चिपकता है। और खाने वाले चम्मच से मैंने इस कप में 5 चम्मच चीनी जो मेज़र की थी, और अब इसमें मैं डाल करके मिलाते हुए चला लूँगी। तो आप देख सकते हैं चीनी डालने के बाद थोड़ा पतला हुआ है। अब इसमें मैं 3 चम्मच जो है मिल्क पाउडर डाल दूँगी और इसको मैं चलाते हुए पका लूँगी। तो इसको बराबर चलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसको बराबर किनारे का छुड़ाते हुए इसको हमें पकाना है। तो इसको पकाते हुए कुछ टाइम हो चुका है, और इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल करके प्लेट पे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और इसको मैं बराबर चलाते हुए पकाती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं गोली बना के देख लेती हूँ। तो ये गोली बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो रहा है। और अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और एक सीट पे इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसको सीट पे निकाल ली हूँ और चारों तरफ से इस तरीके से सीट उड़ा उल इसको उठाते हुए इस तरीके से मिला लूँगी जिससे थोड़ा चिकना हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ और ये चिकना हो चुका है। और अब इससे मैं दबाते हुए इसको फैला लूँगी और एक बेलन की मदद से इसको मैं इसको अच्छी तरह से बेल के बराबर तैयार कर लूँगी। तो थाली की पेंदी थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो मैं थाली पर से उतार करके स्लेब पे ही इसको मैं बेल लेती हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं बराबर बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बेल के तैयार कर ली हूँ, और साइड साइड से मैं इसको कट करके निकाल लूँगी। अभी ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए थोड़ा सा चिपकेगा, तो मैं इसको साइड साइड से निकाल लेती हूँ। और अब इस पे मैं चांदी के वर्क को लगा दूँगी। अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। तो मैं इसको लगाते समय एक ही साइड जो चांदी के वर्क इकट्ठा हो गए थे, तो इसलिए मेरे देख सकते हैं एक ही मतलब कोने साइड ही लग पाए। अब मैं चारों तरफ सीट इस तरीके से फैला ली थी, और अब इसको मैं इस तरीके से उतार लूँगी जिसे बराबर लग जाएंगे, आप देख सकते हैं।
तो मैंने चांदी के वर्क लगा के तैयार कर ली हूँ, और एक स्केल के मदद से इस तरीके से नापते हुए मैं कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं नाप लेती हूँ यहाँ पे, और फिर इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं कट करके तैयार कर ली हूँ, अब फिर मैं इस साइड से इस तरीके से नापूंगी या फिर मैं कट कर लूँगी, जिससे शेप जो है बराबर आ जाएगी। तो मैं इसको कट करके तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कट करके तैयार कर ली हूँ, आपको मैं उठा के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला करके सजा ली हूँ। तो अगर आपको ये काजू कतली की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कोई कमियां है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई एक पुरानी रेसिपी के साथ। नमस्कार।